पहले हैलेट अस्पताल में मेडिकल करवाया गया पीयूष जैन का। अब खबर यह है कि कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों का इंतजार आप कह लीजिए, कानपुर कोर्ट में पेश होगा पीयूष जैन। अब कोर्ट से क्या कुछ होता है इस पर लगातार नजर है। खबर यही कि कोर्ट ले जाने से पहले, पेशी से पहले अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। तस्वीरें भी वहां से जो आ रही हैं आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी होगी, कानपुर कोर्ट में पेश होगा पीयूष जैन। जिस तरीके से पूरा कारोबार, काला कारोबार आप कह लीजिए, उसका खुलासा हो रहा है, उसके बाद आज रिमांड पर लिया जाएगा। ये पूरी कोशिश होगी कि रिमांड पर लिया जाए, पूछताछ अभी होनी है, अलग अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है। जो खुलासे हो रहे हैं, जो कैश मिल रहा है, जो सोने चांदी के बिस्किट मिल रहे हैं, उसके बारे में पूछताछ करनी है अभी, और भी तमाम पहलुओं पर जांच होनी बाकी है, और इसीलिए रिमांड पर लिया जाएगा आज, ये कहा जा रहा है। कोर्ट की तरफ से क्या रुख होगा इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में पीयूष जैन की पेशी होगी, कानपुर कोर्ट में लाया जाएगा, वहां पर पेश किया जाएगा। पेशी से पहले हैलेट अस्पताल ले जाया गया, वहां पर देखा गया कि वो ठीक है, स्वस्थ है, मेडिकल करवाया गया, मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले कानपुर और उसके बाद कन्नौज में भी उसके घर पर लगातार रेड जारी है, नोटों की गिनती जारी है, कई मशीनें वहां पर बुलाई गई हैं, मशीनों के जरिए नोटों की गिनती हो रही है। आप देखिए, हर दिन नया खुलासा हो रहा है, जो बरामद रकम है उसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे काले कारोबार को इकट्ठा करने में अकेला पीयूष जैन ही है, या फिर और भी कोई लोग हो सकते हैं जो पीयूष के साथ में हो। अब ये भी जानने की कोशिश की जाएगी, कोई और भी लोग हैं क्या, उन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। बहरहाल बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीयूष जैन की पेशी होनी है कानपुर कोर्ट में, तस्वीरें आएंगी और उसके बाद फिर आगे की जांच पड़ताल बढ़ाई जाएगी। अब सबसे पहले हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर मेडिकल कराया गया, और उसके बाद फिर पहुंचेगा पीयूष जैन कानपुर कोर्ट। अब इसको लेकर पहले राजनीतिक एंगल दिया गया, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं है, या फिर किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है पीयूष जैन का, ये कहा जा रहा है। अब असल में वाकई में ऐसा ही है क्या, जो पड़ताल हो रही है, जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, उसमें और कौन से नाम आगे जुड़ते हैं और कौन सा एंगल आगे जाके निकल करके सामने आता है, इस पर भी लगातार नजर है। बहरहाल अलग अलग हिस्सों में लगातार अधिकारी मौजूद हैं जो छानबीन भी कर रहे हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई है, कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं।